व्हाट्सएप विश्व स्तर पर लाखों पुराने मोबाइल पर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कंपनी ने ऐसे फोन के लिए सपोर्ट करना बंद कर दिया है। 31 दिसंबर के बाद विंडोज फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। 1 फरवरी 2020 से iOS 8 या उससे अधिक पुराने किसी भी आईफोन का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही 2.3.7 या अधिक पुराने वर्जन वाले किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। बता दें कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स पहले से ही नए व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, साथ ही अपने अकाउंट को रीवेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप 31 दिसंबर 2019 से सभी विंडोज फोन से अपना सपोर्ट वापस ले रहा है। इसी महीने माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज 10 मोबाइल ओएस का भी सपोर्ट वापस ले लेगा। इस बीच दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स को मंगलवार देर रात व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और रिसीव करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूरोप, अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका में व्हाट्सएप में दिक्कत पाई गई। आपको बता दें कि फेसबुक ने 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा था और इसका उद्देश्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी अन्य सेवाओं मैसेंजर और इंस्टाग्राम में शामिल करना था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चटपटी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।